जी खुश आमदीद, वेलकम बैक टू कारवान गज़ल। और मुझे यकीन है कि अब तक आपको मज़ा आ रहा होगा, शाम आपकी अच्छी गुजर रही होगी, लेकिन मुझे यकीन है कि मौसम सुहाना होगा, शाम कुछ प्लेजेंट हो गई होगी आपकी। मेरी तो वाकई प्लेजेंट हो गई है। अब बात करते हैं इश्क की। अभी आपने मदन मोहन साहब की कॉम्पोजिशन सुनी और आशिकाना जो मूड है उसको आगे बढ़ाते हैं, और मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ आपसे फिर से। इश्क भी क्या चीज़ है, क्या शय है, बताइए। बड़ा मरहले का काम है। बखौल जिगर मुरादाबादी के, जिगर साहब बहुत मशहूर शायर गुजरे हैं और काफी उनका दर्जा ऊंचा है, मुरादाबाद के थे। उन्होंने कहा कि ये इश्क नहीं आसा इतना तो समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसा इतना तो समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। और फिर आनंद बख्शी साहब दूसरे तरीके से कहते हैं कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे मोहब्बत है, न जाने ये कहा किसने कहा किससे, वो आशिक कौन था आखिर चली रस्म वफा जिससे, किया था पार पहली बार किस पागल ने ये दरिया के, जिसमें आग बहती है कि जिसमें मौत रहती है, न जाने ये कसक उठी किस शख्स के दिल में के फिर होने लगे यही चर्चे, हर एक महफिल में मुझे तुमसे मोहब्बत है। क्या बात है। तो मोहब्बत की बात आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनाते हैं फिल्म नौनिहाल का नगमा, रफ़ी साहब की आवाज़ में, मदन मोहन साहब की मौसीकी। बहुत ही खूबसूरत नगमा है, उसके कुछ बोल ऐसे हैं आप सब जब जानते हैं। तुम्हारी ज़ुल्फ के साए में शाम कर लूंगा सफर ये उम्र का पल में तमाम, पल में तमाम कर लूंगा। और पल पर एक और एक शेर याद आता है, मैं वो पढ़कर वो गाना सुनाता हूँ कि शेर ये है कि वो एक पल जो तेरी कुर्बत में गुजर गया, वो एक पल मोमेंट, वो एक पल जो तेरी कुर्बत में गुजर गया, उस पल में गुजरता है हर दिन मेरा। तो सुनिए कारवाने गजल है ये 92.7 बिग एफएम पर और मैं हूँ तलत अजीज। गजलों का काफिला चल निकला है, साथ चलिए और सुनते रहिए कारवाने गजल तलत अजीज के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।